जाने अनजाने में आप ये दस गलतियां कर रहे हैं जिससे आप हर साल लाखों रुपए गवा रहे हैं चलिए जानते हैं इस वीडियो में नंबर वन इग्नोरिंग इन्फ्लेशन रिसेंटली मैं अपने एक स्कूल फ्रेंड से मिला और उसने मुझे बताया कि उसका सपना आज फाइनली पूरा हो चुका है स्कूल के टाइम में ही उसने डिसाइड किया था की कि वो लाइफ में एक ऐसी नौकरी करेगा जहाँ से वो मिनिमम पचास हजार महीने का कमाए और आज पंद्रह साल बाद उसका ये सपना पूरा हुआ है और उसकी सैलरी आज पचास हजार है पचास हजार रूपए आज से पंद्रह साल पहले एक बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था पर एक शैतान है इस दुनिया में जिसका नाम है महंगाई यानी इन्फ्लेशन इंडिया में ऑन एन एवरेज का इन्फ्लेशन रेट है तो मेरे दोस्त को अपना सपना पूरा करने के लिए आज के नंबर में मिनिमम उसकी सैलरी एक लाख बीस हजार रूपए होनी चाहिए और हम सभी सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हैं की हम इन्फ्लेशन को इम्पोर्टेंस नहीं देते सबसे प्राइमरी गोल आपके लाइफ में यही होना चाहिए की आप इन को मैच कर सको या उसे हरा सको यानी आपकी इनकम हर साल 6 परसेंट ऐसी ज्यादा बढ़नी चाहिए अगर इनकम ग्रोथ पॉसिबल नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड में रियल स्टेट में या गोल्ड में जिससे आज ऐसी कुछ साल बाद आपके पैसों की वैल्यू कम ना हो गलती नंबर दो नॉट इमरजेंसी फंड दूसरी सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं वो है अपना इमरजेंसी फंड ना बनाना इमरजेंसी फंड यानी वो पैसे जो आप किसी मुसीबत के दौरान यूज करेंगे जैसे नौकरी चली जाना या बिजनेस में लॉस होना फैमिली में किसी का हेल्थ इश्यूज आ जाना इस दौरान अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए तीन महीने से लेकर छह महीने तक का आपका मंथली खर्चे कहीं सेव्ड होने चाहिए और क्या आपको पता है सेवेंटी फाइव इंडियंस के पास कोई इमरजेंसी फंड नहीं है यानी अगर कोई लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो उनको बैंक से लोन लेना पड़ेगा या किसी रिश्तेदार के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा इसीलिए अपनी रिक्वायरमेंट के लिए कभी भी किसी के सामने झुकना ना पड़े तो आप अपना इमरजेंसी फंड बनाने पर फोकस जरूर कीजिए इस चार्ट को देखिए इसमें बताया गया है की अगर एक व्यक्ति को अपना सैलरी इनकम को सेव करना है एज अ इमरजेंसी फंड तो उसे कितने महीने लगने वाले हैं तो आप देख सकते हैं कि अपने इनकम का तीन गुना सेव करने के लिए ऑन एन एवरेज पंद्रह महीने लगते हैं, छह गुना सेव करने के लिए अट्ठाईस महीने और नौ गुना सेव करने के लिए इकतालीस महीने लगते हैं। तो कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए की क्या आपके पास इमरजेंसी फंड है या नहीं गलती नंबर तीन फॉलिंग फॉर कंज्यूमर डेट सबसे पहले समझते हैं कि कंज्यूमर डेट क्या होता है कंज्यूमर डेट का मतलब लोन ही होता है जिसमें आप लोन लेते हैं चीजें खरीदने के लिए जिसे आप या आपके घर वाले इस्तेमाल करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड डेट स्टूडेंट लोन कार लोन होम लोन ये कुछ एग्जाम्पल है कंज्यूमर डेट के तो अभी इंडिया में कंज्यूमर डेट हर साल बढ़ते जा रहा है इसका ये मतलब है की लोग पहले ऐसी ज्यादा लोन ले रहे हैं इस आर्टिकल में एक तीस साल के कुक एग्जाम्पल दिया गया है जिसकी सैलरी है पच्चीस हजार रूपए उसने लास्ट ईयर बैंक एंड फाइनेंस कंपनी से बहुत सारे लिए हैं जैसे मोटरसाइकिल लेने लेने के 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 लिए के जूते और एक लेने के लिए एडिडास जूते एक वॉच पाँच पाँच हजार रूपए का लोन लिया है उनका ये मानना है की ये बिल्कुल सही चीज है क्यूँकी हम इतनी मेहनत ही क्यूँ करते हैं जब हम वो चीजें ना ले सके जिससे हमारी लाइफ बेटर होती है पर जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट एंड रेगुलेटर्स है वो इस माइंड सेट से एग्री नहीं करते हैं उनका मानना है कि अगर लोग ज्यादा से ज्यादा अनसिक्योर्ड लोन्स लेते हैं यानी वो लोन्स जिसके लिए आपको कुछ भी गिरवी ना रखना पड़े तो इससे डिफॉल्टर यानी जो पैसे वापस ना कर पाए इनकी नंबर बहुत बढ़ जाएगी और ये बैंक एंड इकोनॉमी के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं है ये चार्ट बताता है की लोग कहाँ लोन ले रहे हैं और आप जैसे की देख सकते हैं की हर साल ये नंबर बढ़ते जा रहा है मेरा पर्सनली ये मानना है कि इसका दो रीजन है लोग इतने ज्यादा लोन्स ले रहे हैं पहला लोग जब अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसे मांगते हैं तो उनको शायद ठीक नहीं लगता है इसीलिए वो ये अनसिक्योर्ड लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं जिससे किसी को पता भी नहीं चलता है कि उनके ऊपर लोन्स चल रहा है दूसरा रीजन है कि आजकल इतने सारे कंपनी लोन प्रोवाइड कर रहे हैं की ऑप्शन लोगों के पास बहुत ज्यादा है अगर एक कंपनी रिजेक्ट भी करती है तो कोई और लोन दे देगा इसीलिए लोग अपने सैलरी का बहुत बड़ा परसेंटेज सिर्फ ई में ही पे कर रहे हैं और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक डेड ट्रैप में फंसते जा रहे हैं गलती नंबर चार इग्नोरिंग हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस अगर आपने हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप बहुत डेंजर में हैं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी अगर आप बीमार पड़ते हो तो इंश्योरेंस कंपनी आपके हॉस्पिटल बिल पे करेगी जितना आपने कवरेज लिया होगा अपने हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में लाइफ या टर्म इंश्योरेंस में आपके परिवार को पैसे मिलते हैं अगर आपकी डेथ हो जाती है तो इंडिया में हेल्थ केयर खर्चे हर साल बढ़ते जा रहे हैं अगर मेडिकल इन्फ्लेशन की बात करें तो इंडिया का सबसे हाइएस्ट मेडिकल है पूरे एशिया में इंडिया का मेडिकल इन्फ्लेशन है खर्चे हम अपनी से हैं। और ग्लोबल एवरेज है 20 का। हर चार में से एक इंडियन घर लोन ले रहे हैं सिर्फ मेडिसिन को खरीदने में और एक औसत भारतीय परिवार गरीबी में जाने से सिर्फ एक गंभीर बीमारी से दूर है और जिन लोगों ने इंश्योरेंस लिया है उनमें से 68 परसेंट लोगों के पास इंश्योरेंस कवरेज काफी कम है यानी 10 लाख से कम का कवरेज है 27 परसेंट लोगों के पास 5 लाख से भी कम का कवरेज है तो अगर आप एक मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको ऑलरेडी चीज पता है प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चे कितने ज्यादा है आपके शहर में इसीलिए मेरा सजेशन आपको ये रहेगा की सबसे पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाए उसका कवरेज आपके साल के इनकम का दो से तीन गुना होना चाहिए यानी अगर आप साल का दस लाख रुपए कमाते हैं तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज बीस से तीस लाख होनी चाहिए और अगर बात करें टर्म इंश्योरेंस की तो आपके एनुअल इनकम का 10 से 12 गुना होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस का कवरेज तो अगर आपने अभी तक हेल्थ एंड टर्म इंश्योरेंस नहीं लिया है तो आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं गलती नंबर पांच नॉट इन्वेस्टिंग और डिलेइंग इन्वेस्टमेंट एक और गलती जो बहुत लोग अभी भी कर रहे हैं कि वो अपने बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में आपने जरूर सुना होगा और इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी शुरू करनी होती है तभी आपके इन्वेस्टेड कैपिटल को टाइम मिलता है ग्रो करने का दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन वॉरन बफेट ने अपना पहला शेयर ग्यारह साल की उम्र में लिया था और उनका ये मानना है की उन्होंने बहुत लेट इन्वेस्टमेंट शुरू की लेट इन्वेस्टमेंट शुरू करना तो गलती है ही पर एक और बहुत बड़ी गलती है कि बहुत लोग अभी भी पुराने तरीकों से इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आपका वेल्थ नहीं बनता है जैसे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना या मनी गारंटीड पॉलिसीज में इन्वेस्ट करना गारंटी गलती लोग दो कारणों की वजह से करते हैं एक जब उनको फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है दूसरा उनको डर है की वो पैसे गवा लेंगे अगर वो फिक्स रिटर्न वाले फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इंडियन स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन ने कई ज्यादा गुना रिटर्न दिया है पुराने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से पर इसमें आपको जल्दी इन्वेस्ट करना होता है और लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना होता है तभी आपको फायदा मिलता है सेबी की माने तो लोग पहले से ज्यादा अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस की वजह से पर अभी भी ये परीन ऐसी चार परसेंट ही है इसका सोल्यूशन यही है कि आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहिए जैसे पैसे रखने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए वैसे ही शेयर को खरीदने या बेचने के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया है अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है अभी तक तो उस लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट जरूर ओपन करवा लीजिए और जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए गलती नंबर छह लैक ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही जगह अपने सारे पैसे लगाना बहुत बड़ी गलती है डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि अपने पैसों को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करना जिससे आपका पोर्टफोलियो की सेफ्टी बढ़े और ये बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट वोलेटिलिटी से बचने के लिए और डाइवर्सिफिकेशन के इम्पोर्टेंस को जानते हुए भी कई सारे लोग बस सिंगल एसेट पर फोकस करते हैं इसका सोल्यूशन ये है की आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए जहाँ पर आप स्टॉक मार्केट में बॉन्ड म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड एंड रियल स्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं इससे आपका पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी बढ़ती है और रिटर्न्स भी आपको कंसिस्टेंट मिलता है गलती नंबर सात पेइंग हाई इन्वेस्टमेंट फीस कई सारे इन्वेस्टर इस बात से अनजान है कि कैसे हाई इन्वेस्टमेंट फीस उनके इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा निगल सकता है एग्जांपल लेते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट फीस का जैसे अगर आप दो अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर म्यूचुअल फंड ए में आपका एक का एक्सपेंस रेशियो है और म्यूचुअल फंड बी में आपका जीरो का एक्सपेंस रेशियो है तो शायद आप ये सोचेंगे की सिर्फ जीरो का ही तो डिफरेंस है इससे क्या हो जाएगा पर चलिए देखते हैं तीस साल के बाद आपने कितना एक्सपेंस रेशियो पे किया है इन दोनों म्यूचुअल फंड में आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ए में अगर आप महीने इन्वेस्ट करते तो 30 साल के बाद आपने 1.45 करोड़ का एक्सपेंस रेशियो दिया होता उस कंपनी को और जो आपका एक्सपेक्टेड एक्सपेंस रेशियो एडजस्टेड रिटर्न होता वो अप्रोक्स 5.56 करोड़ का होता अब देखिए ये है म्यूचुअल फंड बी और यहाँ भी अगर आपने दस हजार रूपए महीने इन्वेस्ट किया होता 30 साल के बाद आपने करीब 40 लाख रुपए एक्सपेंस रेशियो में पे किया होता इस म्यूचुअल फंड कंपनी को और जो आपका एक्सपेक्टेड एक्सपेंस रेशियो एडजस्टेड रिटर्न निकलता वो करीब 6.61 करोड़ का होता तो आप देख सकते हैं कि कैसे सिर्फ सिक्स कंपाउंड होकर आपको करोड़ों का नुकसान दे सकता है इसीलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को चूज करने से पहले उसके रिगार्डिंग कॉस्ट को भी आप जरूर कैलकुलेट कीजिए इससे आप करोड़ों रुपए बचा सकते हैं लॉन्ग

बात करते हैं माइंडसेट एंड हैबिट्स की ऑथर कहते हैं कि जब भी आप किसी को डेट करो या शादी की बात हो रही हो तो आप अपने पार्टनर की फाइनेंशियल नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को जरूर चेक कीजिए क्योंकि ज्यादातर रिलेशनशिप में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पैसा इसीलिए शादी से पहले ही दोनों की अगर फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन मैच करती है तो इससे आपका रिलेशनशिप बेटर होता है और फ्यूचर में पैसों की वजह से प्रॉब्लम आने की चांसेस बहुत कम हो जाती है बहुत लोग अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के लिए एक्सपेक्ट डेट पर जाते हैं गिफ्ट देते हैं और कुछ थोड़ा फेंकते भी हैं कि वो कितना कमाते हैं इससे आप एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन अपने होने वाले पार्टनर के मन में बना रहे हैं और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके फ्यूचर के लिए गलती नंबर नाइन इग्नोरिंग रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे ज्यादा लोग अगर किसी चीज को इग्नोर करते हैं स्पेशली जो अभी यंग लोग हैं वो है रिटायरमेंट प्लानिंग क्योंकि उनको लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है इस बारे में सोचने के लिए और कुछ लोग इसकी प्लानिंग नहीं करते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि फ्यूचर में कितने पैसों की रिक्वायरमेंट होने वाली है पहला माइंड चेंज जो आपको अंदर लेके आना है की आप एक दिन बूढ़े होने वाले हो और जिस रेट पर इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है अगर आपके पास रिटायरमेंट सेविंग्स नहीं है तो आप अपने बच्चों पर डिपेंडेंट होंगे अपने बुढ़ापे में और भगवान ना करे अगर आपके बच्चों के पास भी उतने पैसे ना रहे तो आप और आपकी पार्टनर अपने परिवार पर बोझ बन सकते हैं इसीलिए आपको इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और नेशनल पेंशन सिस्टम जैसे प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए इपीएफ एक सेविंग स्कीम है और इसे डिजाइन किया गया है एक एम्प्लॉय को फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी दी जाए उसके रिटायरमेंट के बाद इस स्कीम में इम्प्लॉय और इम्प्लॉयर दोनों एम्प्लॉ के बेस सैलरी पर 12 12 परसेंट सैलरी का इन्वेस्ट होता है ईपीएफ में जैसे किसी व्यक्ति की अगर सैलरी है 30 लेगा, तब उसके पास एक करोड़ पैतालीस लाख रूपए होंगे और बात करें एन की यानी नेशनल पेंशन सिस्टम को अगर आप चुनते हो जहाँ मान लेते हैं आप पांच इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने तो आपके रिटायरमेंट तक आपका पेंशन वेल्थ करीब 92 लाख का हो चुका होगा और आपकी जो मंथली पेंशन होगी वो आप करीब अट्ठारह हजार रूपए रिसीव करेंगे ईपीएस का रिटर्न्स टैक्स फ्री है वही एनपीएस में 60 परसेंट आपका टैक्स फ्री है और जो रिमेनिंग 40 परसेंट है उस पर आपको टैक्स देना होता है तो अगर आपके पास कोई रिटायरमेंट प्लानिंग अभी नहीं है तो इसके बारे में आपको अभी से प्लानिंग करनी चाहिए क्यूँकी बुढ़ापे में किसी पर डिपेंडेंट होना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आखिरी गलती है गलती नंबर टेन हर्ड मेंटेलिटी इंडिया में ये बहुत कॉमन है हम करियर डिसाइड करने से लेकर इन्वेस्टमेंट भी भेड़ चाल को फॉलो करके ही करते हैं यानी जिस और ज्यादा लोग जा रहे हैं हमें भी उधर ही जाना है बहुत सारे लोग एक बहुत ही डेंजरस गलती कर रहे हैं कि वो अपने इन्वेस्टमेंट अपने फ्रेंड्स या फैमिली के टिप पर करते हैं जिसमे वो कुछ भी रिसर्च नहीं करते अगर आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट या लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर अगर कोई सजेशन दे रहा है तो आप एक बार को ट्रस्ट कर सकते हैं पर आपके फ्रेंड को किसने टिप दी है या वो बस अपने इमोशन के बेसिस पर डिसाइड कर रहा है ये आपको कभी भी पता नहीं चलेगा हर्ड मेंटालिटी सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक ही नहीं है बल्कि आप कौन सी ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स यूज करते हैं लेटेस्ट ट्रेंड क्या है फैशन में कौन से कपड़े पहनने हैं कौन सी गाड़ी चलानी है शादी कैसे करनी है एजुकेशन कहाँ लेना है ये सारे डिसीजन हम सोसाइटी क्या कर रही है उसे देख कर ही करते हैं इसका सोल्यूशन है स्ट्रॉन्ग माइंड एंड क्लैरिटी आपको ये पता होनी चाहिए की आपके लिए क्या सही है को देख कर कभी भी अपने लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीजन नहीं लेने चाहिए और इसके लिए आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा जो काफी मुश्किल है तो ये थे टेन मनी मिस्टेक्स जो लोग करते हैं जिस कारण वो अपना वेल्थ नहीं बना पा रहे हैं आप कॉमेंट जरूर कीजिए की इन दस मिस्टेक्स में से आप कितने मिस्टेक्स कर रहे हैं और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और मेरा काम आपको पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं मेरे सारे नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखिए इसमें मैंने बहुत ही यूनिक इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बताई है जो आपको हेल्प करेगा स्टॉक मार्केट से अच्छे रिटर्न्स कमाने के लिए